मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को अयोध्या में रामलला के दर्शन को महंत परमहंस दास ने राजनीति बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने की हिदायत दी है और कहा है कि अगर वो अयोध्या में आए तो उन्हें अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही काले झंडे दिखाएंगे। बल्कि महंत परमहंस दास ने उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं बल्कि मक्का जाने की बात कही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार पर भी सवाल उठाया है। कहा, जो पार्टी हिंदू हृदय सम्राट हुआ करती थी वो पार्टी आज कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बना ली है। खुद सुनिए महंत परमहंस दास ने क्या कहा है। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी रामलला का दर्शन करने जो आ रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है और अब उनको अयोध्या नहीं बल्कि मक्का का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी सिर्फ बनाया था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया में अपना कोई देश नहीं है और उनका यह सपना था कि कम से कम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और भगवा झंडा को बहुत महत्व देते थे और उन्होंने कहा था कि शिवसेना को हम कांग्रेस नहीं बनने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता की लालच में आ करके और बाला साहब का इन्होंने अपमान किया है और अब इनको यहां अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य किसी भी कीमत पर उनको अयोध्या प्रवेश नहीं करने दूंगा और रामलला का दर्शन भी नहीं करने दूंगा। जब तक वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है तब तक उनको अयोध्या में आने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने राम भक्तों के साथ धोखा दिया है। जिन भक्तों ने उनको वोट दिया था वो सिर्फ इसलिए दिए थे कि शिवसेना एक जो है हिंदुत्व की पार्टी थी, हिंदुओं की पार्टी थी और हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य था इसका, भगवान के प्रति ये समर्पित थे। लेकिन कांग्रेस, जो कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाली पार्टी, सत्ता की लालच में आकर के उससे इन्होंने गठबंधन कर लिया। जो कांग्रेस ने हिंदुओं के ऊपर परवान नियोजन जबरदस्ती थोप दिया और मुसलमानों को 40 बच्चा पैदा करने के लिए इसलिए छूट दिया कि फिर से हिंदुस्तान डिवाइड हो जाए, बट जाए। इसलिए जब तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेंगे तब तक उनको अयोध्या दर्शन नहीं करने दूंगा। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य स्वयं धर्म दंड लेकर के उनका रास्ता रोकूंगा। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।